सरस्वती इंग्लिश रीडर यूनिट नंबर 1 हम समाप्त कर चुके हैं अपने चैनल में। शुरुआत करेंगे यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 6 के साथ, जिसका नाम है लेटर राइटिंग। लेटर मींस होता है पत्र, राइटिंग मींस होता है लिखना। तो पत्र लिखना, पत्र की बात करें मींस लेटर्स, आपको टू काइंड्स के मिलते हैं। मींस लेटर्स जो पत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, काइंड्स मींस होते हैं प्रकार के। तो दो प्रकार के कौन कौन से हैं, पहला है आपका फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल मींस होता है औपचारिक और इनफॉर्मल मींस होता है अनौपचारिक। फॉर्मल की बात करें तो आपके लेटर्स कुछ इस प्रकार के होते हैं, बिजनेस मीन्स व्यापार संबंधी जो पत्र होते हैं, कंप्लेंट जो कि शिकायत पत्र लिखे जाते हैं, और इंक्वायरी मीन्स पूछताछ पत्र जो लिखे जाते हैं, ये फॉर्मल मीन्स औपचारिक पत्र होते हैं। तो उदाहरण याद रखिएगा। सेकेंड है आपका इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक किसके होते हैं, रिलेटिव मीन्स जो रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं और मित्रों को लिखे जाते हैं, मीन्स फ्रेंड्स को। तो ये अनौपचारिक है, उदाहरण याद रखिएगा। दैट्स क्लियर, ओके। तो आपने लेटर्स के टाइप जान लिए, दो प्रकार के इनफॉर्मल और फॉर्मल। आप कैसे लिखेंगे मींस फॉर्मेट की बात करते हैं, किस प्रकार लिखते हैं, क्या तरीका है, हेडिंग बाय हेडिंग। सबसे पहले आप लेटर लिखोगे तो सबसे पहले आप दिनांक डालोगे मींस तारीख या डेट डालेंगे। दूसरा है रिसीवर एड्रेस, जिसके नाम से आप पेपर लिख रहे हैं उसके एड्रेस को आप डालेंगे, जिसके नाम पे आप एड्रेस, जिसके नाम पर आप पत्र लिखने जा रहे हो उसका एड्रेस, ठीक है। रिसीवर इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है रिसीवर एड्रेस के बाद। फिर है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यूं तो विकास होता है, लेकिन विकास का मतलब यहाँ उस विकास से नहीं है, यहाँ मीन्स मुद्दा है जो जिस सब्जेक्ट पे लिख रहे हो। इसके बाद कंक्लूजन लिखना कि आप ये पत्र किस लिए लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब निकलेगा। कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष। फिर है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मीन्स होता अंशदान। तो मेन जो पत्र है उसका मेन पोर्शन लिखना है कि क्या क्या इसमें पॉइंट शामिल हैं, और लास्ट में आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो ये रहा पत्र लिखने का तरीका, डेट, रिसीवर का एड्रेस, इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, कंक्लूजन, सब्सक्रिप्शन एंड एड्रेस। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, योर पॉइंट। सो अब एग्जांपल देखते हैं कि कैसे लिखते हैं कोई लेटर। सो आपने फॉर्मेट देख लिया, अब एग्जांपल नमूना उदाहरण के माध्यम से समझिए किस प्रकार एक लेटर को लिखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा डेट लिखते हैं, तो ये देखिए डेट लिख दिया December 10, 2011। डेट लिखने का तरीका इंग्लिश में ऐसे ही होता, पहले मंथ लिखते हैं पूरा पूरा, फिर आपको डेट लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद एड्रेस बोला था रिसीवर का, तो ये देखिए इन्होंने मेंशन कर दिया, टू से संबोधित करते हैं, मैनेजर के लिए लिखा गया टू द मैनेजर, ओम बुक डिपो इनका नाम है और अमीनाबाद लखनऊ इनका एड्रेस है, क्लियर है, रिसीवर एड्रेस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन डियर सर से शुरुआत करते हैं, डियर मींस होता है मेरे प्यारे श्रीमान जी, सर में श्रीमान जी। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, आई मींस मैं, हाईली मैं बहुत ज्यादा, ओब्लाइज्ड मीन बाध्य हूं या कृतज्ञ हूं, मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हो जाऊंगा या बाध्य हो जाऊंगा। If you send me, it means यदि, you means आप, send मतलब भेज दें, me means मुझे, यदि आप मुझे भेज दें the following books within 10 days, following means नीचे लिखे हुए या निम्न लिखी हुई books को within 10 days, means within means होता अंदर, 10 दिनों के अंदर ये books यदि आप मुझे भेज दें तो मैं बहुत ही कृतज्ञ हो जाऊंगा। कौन सी books हैं, देखिए पहला बोला सरस्वती इंग्लिश रीडर पार्ट 5, दूसरा बोला पार्ट नंबर 4, एंड तीसरा है देववाणी संस्कृत पंचम सर्ग, और चौथा यही पुस्तक है चतुर्थ सर्ग के साथ 10-10 पीस। इन्होंने अपना जो है पूरा पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके बाद देखिए डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में इन्होंने क्या लिखा, द गुड्स शुड बी सिक्योरली पैक्ड। उनका कहना है जो लेटर लिख रहे हैं, गुड्स मीन्स होता है माल या सामान, शुड बी इसका मतलब होता है, शुड का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में, शुड मीन्स चाहिए, सिक्योरली मीन्स सुरक्षा के साथ, पैक मीन्स पैकिंग, सुरक्षा पैकिंग मीन्स बंद होना चाहिए, हमारा माल या सामान जो भी होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित तरीके से बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। किस लिए अच्छे से माल पैक होना चाहिए, ताकि रेलवे रिसीव्ड शुड बी सेंट टू मी थ्रू द स्टेट बैंक, ताकि रेलवे जो मेरा माल रिसीव करे प्राप्त करे, शुड बी सेंट टू मी वो मुझे अच्छे तरीके से भेज दे या भेज देना चाहिए स्टेट बैंक के माध्यम से, रेलवे जो माल मेरा रिसीव करे ताकि वो मुझे अच्छे ढंग से स्टेट बैंक के माध्यम से भेज दे, इसलिए माल की पैकिंग अच्छे ढंग से होनी चाहिए, क्लियर। तो ये हो गया इसका कंक्लूजन मींस निष्कर्ष, यही परिणाम है इसका। अब कंक्लूजन के बाद क्या कहा था, सब्सक्रिप्शन अंशदान मींस अंशदान के जरिए देखिए उन्होंने लिख दिया योर्स फेथफुल्ली, योर्स मींस आपका, फेथफुल्ली मतलब बहुत ज्यादा विश्वसनीय, आपका विश्वसनीय या आपका
जो है शुभचिंतक, मैसर्स अग्रवाल बुक डिपो, मेन रोड नियर हेड पोस्ट ऑफिस सुल्तानपुर। उन्होंने क्या कहा था लास्ट में, आपको अपना सब्सक्रिप्शन लिखते हुए आपको अपना एड्रेस देना है। तो सब्सक्रिप्शन में क्या लिखा, मैसर्स अग्रवाल बुक डिपो, इन्होंने पत्र लिखा है, इनका एड्रेस है मेन रोड नियर हेड पोस्ट ऑफिस सुल्तानपुर। उन्होंने अपना एड्रेस मेंशन कर दिया जो कि फॉर्मेट का लास्ट कॉलम था। तो मैंने लेटर आपको एग्जाम्पल फॉर्मेट और टाइप सब कुछ बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस पाने के लिए घंटी के साथ, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दें ताकि सबको पता चल सके कि ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेज जीके एजुकेशन में शुरू है। जय हिंद, जय भारत।